दोस्तों, यह कहानी मारिया की है जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी को सेंड किया है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह से आपके लाइफ में कोई रियल घटना हुई हो तो उसे भी अपनी कहानी के रूप देने के लिए मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भेजिए। मैं आपकी कहानी को आवाज़ और एनिमेशन दूंगा। तो चलिए आज सुनते हैं मारिया की जीवन में घटित सच्ची घटना। दोस्तों, आपको बता दूं कि मारिया 8 साल की बच्ची थी और उसके साथ बचपन में एक ऐसी घटना घटती है जिसको सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको बता दूं, मारिया हर रात की तरह आज रात भी वह घर में सोई हुई थी। अचानक मारिया घर के बाहर शोरगुल सुनकर बाहर आ जाती है और वह घर में अपने माता पिता को न पाकर और गांव में चारों तरफ घूमती है, लेकिन उस गांव में कोई भी घर में कोई भी सदस्य नहीं था, यानी कि पूरा गांव खाली था। मारिया यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर पूरा गांव का गांव कैसे खाली हो गया। मैं रात में भी जगती थी तो लोगों के बोलने की आहट आती थी और आसपास में कुछ बच्चे भी थे जो मेरे दोस्त थे। आखिर आज रात मेरी नींद 1 बजे टूटी और मैं जैसे ही घर से बाहर निकली तो ना मैं अपने माता पिता को पाया और ना ही गांव में किसी को। मैं डर कर बाहर आई। बाहर मैंने देखा तो सभी घरों के लाइटें बुझी हुई थी और जो घर के पास में कुछ झोपड़पट्टी भी थी और उसी झोपड़पट्टी में गरीब लोग भी रहा करते थे जिनके पास पक्का मकान नहीं था। और मैं यह देखने के लिए उस झोपड़ी के पास आई और मैंने देखा वहाँ पे कुछ लालटेन रखा हुआ था और चारों तरफ अंधेरा ही छाया हुआ था क्योंकि अभी बिजली भी चली गई हुई थी। और जैसे ही मैंने वहाँ पे लगे हुए तंबू के अंदर झांक कर देखा तो मैं और आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि जो तंबू लगा हुआ था उसमें पहले बहुत सारा सामान था और इसमें गरीब लोग निवास करते थे। मैंने देखा तो तंबू पूरी तरह से खाली था और तंबू के पास में जो गांव का दीवार था वो पूरी तरह से टूटा पड़ा हुआ था। यह सब देखकर मेरा होश तो उड़ गया। मुझे लगा कि यह मेरा सपना है, लेकिन नहीं, मैं तो बाहर घूम रही थी और यह सब देखकर मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था कि पागल हो जाएगा। मैंने वहाँ पे बगल वाला घर को भी देखा जिसमें हमेशा लोगों को चलने रहने और कुछ मेरे दोस्त छोटे थे वो भी रहते थे और इसमें आज तो ताला बंद था। ऐसा पहली बार हुआ है जो सभी घरों में ताला बंद था और पूरे गांव का गांव खाली था क्योंकि गांव में कोई लोग भी नहीं थे। जैसे ही मैंने उस गांव को चारों तरफ घूम कर देखा तो गांव के बीचों बीच में एक क्रॉस का साइन लगा हुआ था जिसे मैं भी कभी कभी आकर यहाँ पे प्रे किया करती थी और मेरा ध्यान इस क्रॉस की तरफ गया तो मैंने क्रॉस पर नज़र टिकाई तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो कुछ तो ज़रूर है। क्रॉस को जैसे ही मैंने पास से जाकर देखा तो इस क्रॉस के नीचे कुछ मैंने नोटिस किया और मैंने देखा कि यहाँ पे तो खून से लथपथ यहाँ पे कुछ टपक रहा है। ऐसा लग रहा था किसी का कत्ल किया गया हो या फिर किसी को जान से मार दिया गया हो या फिर वो जानवर भी हो सकता है या फिर कोई शायद इंसान, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। मैंने बगल में देखा जो बॉक्स हमेशा सिंपल दिखता था और इसमें हम अगरबत्तियाँ जलाया करते थे, आग जलाया करते थे, वो भी पूरी तरह से खून से नहाया हुआ था, वो भी लाल पड़ गया था। यह सब देखकर मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं चारों तरफ देखे ही जा रही थी और यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ बंद हो गई हो और ना ही मैं चिल्ला पा रही थी और ना ही रो पा रही थी। और करूँ तो क्या करूँ क्योंकि मैं अकेला जो थी, मेरी निगाहें अपनी माँ पापा को ढूंढने में लगा हुआ था कि शायद मेरी माँ
मेरे पास जल्दी आ जाए, क्योंकि रात को मैं अपने घर से कभी निकला नहीं करती थी और आज मैं अपने घर से बाहर भी खड़ी होकर और राह देख रही हूँ, क्योंकि 1 बजे रात में मेरे मम्मी पापा घर से गायब थे और यहाँ तक कि गांव में कोई भी लोग नहीं था और सामने के तरफ पूरा पहाड़ी इलाका था, क्योंकि यह शिमला के अंदर स्थित था और मैं पहाड़ों की तरफ देखती ही जा रही थी कि शायद कोई मिल जाए। और मैं अक्सर जिस नल से पानी पिया करती थी, कल सुबह भी उस नल को मैंने देखा था तो वो नल काफ़ी अच्छा था और पानी भी दे रहा था। जैसे ही मेरा निगाह उसके तरफ गया और मैंने सोचा कि अपने मुंह को पानी मारती हूँ तो मेरा होश उड़ गया। मैंने देखा नल ऐसा लग रहा था कि वर्षों से नहीं चला है और पुराना है और इस पर जंग लग गया है। यह सब देखकर मैं तो और पागल सी हो गई। मैं उस नल को देखती ही रही और सोच रही थी कि कल सुबह यह चमकदार था और अचानक रात भर में ये पूरी तरह से जंग कैसे लग गया। यह सोचकर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मैंने कुछ आवाज़ को महसूस किया जो कि दरवाजे के पास से आ रही थी। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया कि शायद कोई गांव वाला कहीं किसी कारण से बाहर गया हो, वो आ रहा हो। लेकिन कुछ क्षण बाद ही वहाँ पे मैंने देखा कि दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज़ काफ़ी तेज आ रही है। यह सब देखकर मुझे काफ़ी डर का एहसास हुआ और मैं डरते डरते थोड़ा आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ न कुछ ज़रूर है। मैं यह देखकर काफ़ी डर गई और एक पेड़ के बगल में छुपकर उसे देखने लगी। आखिर वो हो क्या सकता है। मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि रात काफ़ी था, चिल्लाने पर मुझे और भी डर लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं। इसलिए मैं उस दरवाजे की तरफ टकाटक देखती रही कि शायद कुछ दिख जाए। मुझे तो कभी कभी एहसास हो रहा था कोई जंगली जानवर ना हो, वरना उसको देखकर मेरा मैंने बहुत ही वहाँ पे गौर से देख रही थी कि आखिर वहाँ पे क्या चीज़ है। लेकिन मुझे वहाँ पे दरवाजे के पास कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं यह सोचकर आगे बढ़ने लगी। मैं आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा दूरी गई और वहाँ पे रुक गई। जैसे ही मैंने उस दरवाजे पर देखा तो मैं और ज़्यादा चौंक गई, यहाँ तक कि मैं घबरा गई, क्योंकि दूर दूर तक अभी कोई भी लोग वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे थे। अब आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पहले से ज़्यादा अभी मेरा गांव सुनसान सा पड़ गया था। आखिर अब मेरे साथ क्या होगा। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रियल घटना आपके पास भी है तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपनी कहानी को भेज दीजिए ताकि अगली कहानी आपकी हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।